Hello everyone, welcome back to English with Yogtak. My friends, in this video I'm going to explain in detail all the use of is, am, are step by step. So friends, there are 10 types of sentence which are formed with the help of is, am, are. सो आज तक जो हमारे माइंड में डाउट बना हुआ है कि इज एम आर का यूज़ हमने सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यू में ही यूज़ करना होता है, जिसके साथ हम आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं और रहा है रही है वाली सेंस देते हैं। ऐसा नहीं है, 10 टाइप्स के ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं हमारे पास जिसके साथ हमने इज एम आर लगाना होता है, जो हमारे इज एम आर की हेल्प से बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ इज एम आर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू वेरी इफेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव टिप्स। So without wasting our time, let's get started. So friends, first of all, is, am, are. These are our helping verb in English grammar. इसका यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, am का यूज़ I के साथ करते हैं एंड are का यूज़ हम plural के साथ करते हैं। पहला हमारा यूज़ रहता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? जो भी हमारे हिंदी के सेंटेंस रहते हैं जिनके लास्ट में होता है या हो के सेंस आए, उसके साथ हमने is, am, are का यूज़ कर देना होता है। और इसमें हम देखेंगे कि ना तो हमने कोई आई एन जी लगाया है, ना ही हमने कोई वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का फॉर्म का यूज़ करा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ शायद मीठा होता है, तो ये हम नॉर्मली सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे हनी इज स्वीट। तो हनी क्या है? हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हमने इज लगाया और स्वीट लगा दिया। नेक्स्ट है दुकान खुली होती है, ये भी हम नॉर्मली बोलते हैं कि ऐसे होता है ना कि हाँ संडे को दुकान खुली होती है। ऐसे सेंटेंस जो आए उसके साथ भी हमने इज एम आर का यूज़ करना होता है, जैसे कि शॉप इज ओपन। नेक्स्ट इज वह नर्स है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज अ नर्स। नेक्स्ट इज तुम डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज तुम छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। सो हमने देखा कि जैसे जिस भी हमने हमारे सेंटेंस में है, हो, होता है कि सेंस आए, हमने इज एम आर का यूज़ कर देना होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिंगुलर एंड प्लूरल। बिकॉज शी हमारी सिंगुलर थी, हमने इसका यूज़ करा, तुम हमारा जो यू है हमारा प्लूरल था, इसके साथ हमने आर का यूज़ करा, एंड अगेन यू है हमारा, यू प्लूरल है, हमने आर का यूज़ करा। ओके, सो दिस इज द रूल नंबर वन। जब हमने प्रेजेंट सिंपल की बात करनी हो और जिस भी सेंटेंस के लास्ट में होता है या हो की सेंस आए, उसके साथ हमने इज एम आर का यूज कर देना होता है। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हमने किसी की विशेषता बतानी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तुम अच्छे हो, तो अच्छे क्या है यहाँ पे? ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो प्रेजेंट में बता रहा है किसी की विशेषता, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ नाइस पर्सन। सो हमारे पास जो नाइस पर्सन, जो किसी की विशेषता उसकी बताई जा रही है, सो किसी की विशेषता बताने के लिए हमने इज एम आर का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आता है वह ईमानदार लड़की है, तो ईमानदार क्या है यहाँ पे? ये भी किसकी विशेषता बता रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इज ऑनेस्ट गर्ल। सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल हमने उसके साथ इज एम आर का यूज़ करना होता है, और अगर हम किसी की विशेषता बताते हैं हिंदी के सेंटेंस में, उसके साथ भी हमने इज एम आर का यूज़ करना होता है। एंड थर्ड कंसेप्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट इनडेफिनिट का, जब हम पैसिव बनाते हैं। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट सबको पता है, जिसके साथ हमने सब्जेक्ट प्लस एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि राम जाता है, राम गोस, ठीक है। ऐसे वाले जो हमारे पास सेंटेंस आते हैं, जब हमने उनका पैसिव बनाना हो तब भी हमने इज एम आर का यूज़ करना होता है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा सब्जेक्ट एस और ई एस प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव में हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ राम श्याम को मारता है, तो ये क्या है हमारा? ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे राम बीट्स श्याम, तो जैसे कि हमने बोला, तो ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट का था, तो इसलिए राम हमारा सिंगुलर है, हमने ऐसे इसके साथ बीट्स का यूज़ करा, राम बीट्स श्याम। तो इसी को अगर हमने पैसे में बनाना हो तो हम बोलेंगे श्याम इज बीटन बाय राम। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है जब हमने प्रेजेंट के इनडेफिनेट को पैसे में यूज़ करना होता है, जबकि हमने सबने वॉइस पढ़े होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रवि कार चलाता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रवि ड्राइव्स अ कार, तो इसका हमने पैसिव बनाया कार इज ड्रिवन बाय रवि। तो कार क्या है? हमारी सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने इसका यूज करा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन। नेक्स्ट इज वह फूल तोड़ती है, शी प्लक्स फ्लावर, इसको हमने पैसिव बनाया शी फ्लावर इज प्लक्ड बाय हर। तो फ्लावर क्या है? ये हमारा सिंगुलर है, इज लगाया वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म ईडी लगाया बाय हर। नेक्स्ट इज वह फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। तो जब हमने
प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाना हो तब हमने इज एम आर का यूज़ करना होता है। ये हमारा रूल नंबर थर्ड है हमारे पास, और इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। फोर्थ हमारे पास कंसेप्ट रहता है, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यू का पैसिव बनाना हो तो पहले हमने किसका बनाया पैसिव, प्रेजेंट सिंपल का। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यू का पैसिव बनाना है जिसमें सेंस रहेगी रहा है, जैसे कि खाना खाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, उसे लिखवाया जा रहा है, उसे पिटवाया जा रहा है, ऐसे वाले जितने भी सेंसेस वाले सेंटेंस आते हैं उनके साथ हमने, उनको हम पैसिव बोलते हैं और उनके साथ भी हमने इज एम आर का यूज़ करना होता है। रूल देखते हैं, जो हमारा एक्टिव रहेगा, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू होता है उसका रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट। अगर इस एक्टिव को हमने पैसिव बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर, सेम वही रहेगा, बस इसके साथ हमने बींग का यूज कर देना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का और सब्जेक्ट का। ओके, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में जाता है जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मैं खाना बना रही हूँ, तो अब इंग्लिश में हम इसको इस जो हमारी एक्टिव होता है इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम कुकिंग फूड। अगर इसी एक्टिव को हमने पैसिव बनाना हो तो हम बोलेंगे फूड इज बींग कुक्ड बाय राम, कुक्ड बाय मी अकॉर्डिंग टू रूल। फूड हमारा सिंगुलर है और इसके साथ हमने बींग लगाना होता है। जब भी हमारे सेंटेंस की जो सेंस आती है रहा है, जैसे खाना बनाया जा रहा है, तो इसमें सेंस ऐसी वाली आ रही है तो हमने इसके साथ बींग का यूज करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज, वह फूल तोड़ रहे हैं, दे आर प्लकिंग फ्लावर्स। इसको हमने पैसिव में बनाएंगे, फ्लावर्स आर बींग प्लक्ड बाय देम। सो फ्लावर्स हमारा प्लूरल है, आर का यूज करा एंड बींग। सो जितने भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमने इज एम आर के साथ बींग का यूज कर देना होता है। सो रूल नंबर फिफ्थ हमारे पास बहुत ही सिंपल है, ये हमें सबको पता है कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यू वाले सेंटेंस बनाने होते हैं जिसके लास्ट में आता है रहा है, रही है या रहे हैं, उनके साथ हमने इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आई एन जी का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, तनु सो रही है, तनु इज स्लीपिंग, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग अ फूड। तो दिस इज अ रूल नंबर फिफ्थ। अब हमारे पास सिक्स्थ कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, इसको इस वाले जो सेंटेंस में हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और हमें कभी कभी ट्रांसलेट करने का पता ही नहीं चलता कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें और हम गलत ट्रांसलेट कर देते हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में बाला है, बाली है, जब वाले हैं आई, उसके साथ हमने इस एम आर के साथ प्लस टू का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ वह आने वाली है, शी इज़ टू कम, शी क्या है हमारे सिंगुलर, इसका यूज़ करा और इसके साथ हमने टू लगाना है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आए वाला है, वह आने वाले हैं, खाने वाले हैं, सोने वाले हैं, जाने वाले हैं, ऐसे वाले केसेस में हमने इज एम आर के साथ हमने टू का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह जाने वाले हैं, दे आर टू गो, मैं सोने वाली हूँ, आई एम टू स्लीप। तो दिस इज़ अ रूल नंबर फिफ्थ, इसमें हमारा आता है कि जब भी हमारे वाला है, वाली है, वाले हैं की सेंस आती हैं जब भी सेंटेंस में, तो हमने इज एम आर के साथ सिर्फ टू का यूज़ कर देना होता है। अब रूल नंबर सेवन क्या बोलता है कि जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, ऐसी सेंस आए, तब हमने इज एम आर के साथ सिर्फ अबाउट टू का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ वह आने ही वाली है, शी इज़ अबाउट टू कम, वह रोने ही वाली है, शी इज़ अबाउट टू क्राई, वह दौड़ने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू रन, वह खाना खाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू ईट फूड। तो हमने देखा कि जब भी हमारे सेंटेंसेस के लास्ट में ही वाला, ही वाले, ही वाली आए, जैसे कि वो आने ही वाली है, खाने ही वाली है, सोने ही वाली है, तो हमने इस एम आर के साथ अबाउट टू का यूज़ कर देना होता है। पहले हमने पढ़ा वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे ही वाला है, तो फर्स्ट में हमने यूज़ करा इस एम आर के साथ टू, और इसमें हमने यूज़ करा इस एम आर के साथ अबाउट टू। आगे हमारे पास आता है कंसेप्ट नंबर एट, इसमें क्या आता है कि जब भी हमने प्रेजेंट में किसी मंथ, ईयर, वीक एंड डे की बात करनी हो तो हमने इज़ का यूज़ कर देना होता है इट लगा के।
फॉर एग्जाम्पल इट इज मार्च, इट इज अक्टूबर, तो मार्च एंड अक्टूबर क्या हुआ, ये हमारा मंथ हो गया. नेक्स्ट है इट इज 22 सेंचुरी, सेंचुरी क्या है हमारा ईयर. नेक्स्ट इज इट इज वीकेंड, तो वीकेंड क्या है वीक. इट इज मंडे टुडे, टुडे क्या है हमारा डे, मंडे क्या है हमारा डे. इट इज होलीडे टुडे, तो होलीडे क्या है ये भी किसी डे को बताता है. जब भी हमने प्रेजेंट में हम बोलते हैं ना ये कौन सा मंथ चल रहा है, आप बोलते हो इट इज अक्टूबर, इट इज अक्टूबर मंथ, इट इज मार्च मंथ, तो इट के साथ हमने इज लगा देना होता है. बट इसके साथ हमने इज एम आर का यूज नहीं करना, इसके साथ हमने आर एंड एम का यूज नहीं करना, तो सिर्फ हमने इट के साथ इज लगाना होता है. अभी हमारे पास कंसेप्ट नंबर 9, इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस बना देते हैं कि वहाँ कुछ नहीं बस पानी ही पानी था, वहाँ कुछ नहीं बस धूल ही धूल थी. ऐसे वाले जो सेंटेंस आते हैं ना उनके साथ हमने इज लगा के नथिंग का यूज़ करना होता है एंड बट का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ वहाँ कुछ और नहीं बस पानी ही पानी है, इसको हम बनाएंगे देयर इज नथिंग बट वाटर. नेक्स्ट इज देयर इज नथिंग बट डस्ट, कि वहाँ कुछ और नहीं बस धूल ही धूल है. तो कुछ नहीं बस, ऐसे वाले जब हम सेंटेंस आते हैं उनके साथ भी हम इसका यूज कर देते हैं इट प्लस नथिंग प्लस वट लगा के. ओके सो हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट आता है करना है एंड जाना है. इसमें क्या होता है कि जब हमने बोलना हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे जानना है, खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, ऐसे भी हम ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें भी हम इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मुझे जाना है, जैसे कि उसे जाना है, ही इज़ टू गो, उसे जाना है, तो आप अभी सोच रहे होंगे कि इसको तो हमने हैव टू के साथ भी हम इसको बना सकते हैं. हाँ बना सकते हैं, लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि जब हमने इसी सेंटेंस को हैज़ टू के साथ बनाया, जैसे कि ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, इसमें हमने पूरे जोर दे के बात बतानी होती कि उसे जाना है, ही हैज़ टू गो. लेकिन अगर हमने इसी को इसके साथ बनाया जैसे कि ही इज़ टू गो, इसमें हमने कोई जोर नहीं देना होता, उसमें उस बात पे कोई इम्फोसाइज नहीं देना होता, जिस हमने नॉर्मल बताना होता कि उसे जाना है. ही इज़ टू गो, शी इज़ टू डू डिशेज, वी आर टू रन, कि हमें दौड़ना है, हमें बर्तन साफ करने हैं, हमें जाना है. तो ऐसे वाले सेंटेंस भी हम इज एम आर के साथ बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैंने जितने भी इज एम आर से रिलेटेड जो कंसेप्ट हमारे माइंड में आज तक बने थे उन सबको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है. तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि कभी भी आपको ये माइंड में कुछ भी कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड, इज एम आर से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हो और आप फिर से उसको एक बार रिव्यू करके अपने माइंड के सारे डाउट क्लियर कर सकते हो. सो फ्रेंड्स आप इसके प्रॉपर नोट्स बना के रख सकते हो और आप कभी भी इस कंसेप्ट को बोल नहीं सकते अगर आपने एक इस वीडियो को अच्छे से समझा है और इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से आप इसको बैक करके देख सकते हो. सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.